प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बहुत सारे खुलासे होंगे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि भाजपा को वोटिंग का डर था, वे वोटिंग नहीं चाहते थे और बहुत सी परंपराएं टूटी है, हमें भी इस बात का डर भी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा मीडिया के सामने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पत्रकारों से मिले और उन्होंने कहा कि परंपराएं तोड़ने की शुरुआत भाजपा ने की है। कांग्रेस तथा अन्य विधायकों को भाजपा ने प्रलोभन देने की कोशिश की, निरंतर भाजपा का प्रलोभन का प्रयास जारी रहा। वे लोकतंत्र के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं, उनका आचरण संसदीय गरिमा के विपरीत रहा है। पहले हमारी सरकार को निरंतर अल्पमत वाली सरकार कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे और जब हम सदन में मत विभाजन कर अपना बहुमत सिद्ध करने लगे तो उन्हें यह मंजूर नहीं हुआ और वे भाग खड़े हुए। आखिर हमने अपना बहुमत सिद्ध करके बता दिया कि यह अल्पमत वाली सरकार नहीं बल्कि बहुमत वाली मजबूत सरकार है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।